क्या होगा मैडम जी देख लो जी ऊपर रड़ बात कर रहा है इंडी ले लेकर मारन ना कर रहा है और छत पर भी टिकता नहीं मैडम जी देख लो पाछे पाछे धक्का दे ना कर रहे देख लो जी देख लो ने देखिए उन्हें के बना लिया हाँ मंदा नहीं छात पर कूद दे मोटे मोटे बनाऊंगा आज मैं आज लेट हो रही है मेरा नहाना और बर्तन साफ करने रहेगी ईव तो पहले होली खेलन लग गए ईव तो पहला हाँ पागल कॉल की उन्हें न मारा सर पानी देखे है जूम कर लिया देख
आपका लगता होगा। तो गाय जी आना 10 बजे के करीब है। तो भाई मैंने ना दोपहर में कपड़े धो लिए थे और धो कर मैं सुखाने के लिए ऊपर आ गई थी गाय जी। तो भाई कुछ तो मैंने पहले सुखा दिए थे, कुछ रह रहे थे भाई, और कुछ मैं फिर अपना लेकर ऊपर आ गई थी भाई, क्योंकि धूप पड़ रही थी जमा कड़ाके की। क्योंकि भाई जब जरूरत हो सर्दियों में, जब तो धूप निकले नहीं करती, और गर्मी में तो आपने मेरा बहुत तेज़ धूप निकला करा गाय जी ना। तो 1 घंटे में कपड़े कुपड़े अपना सूख साग जावा, अब तो जमा सही मीडियम मौसम हो रहा है ना, तो गर्मी और ना ही सर्दी। तो गाइज कपड़े क्योंकि 1 हफ्ते में धोए थे, वही आपने बेरा होगा मैंने बता भी रखा था पहले वीडियो में। तो क्योंकि भाई ज़्यादातर तो मेरे ही सूट हो जाए, ज़्यादातर मेरे कपड़े होया करो भाई। तो फिर कपड़े कपड़े धो कर ना अपना सुखा सकूगा, फिर प्रेस करके मैं रख दिया करूँ प्रेस भी मैं। तो भाई कम से कम 10 सूट नहीं हो जाते इतना मैं प्रेस कराया नहीं करती भाई, मतलब 2-3 में मेरे पे कराया कर जाया करती, 10 सूट हो जाए जब इकट्ठे करके जब कराया करूँ भाई। तो उरे अमन बनाए रखा कैमरा मैन, अमन लग रहा पाछा पाछा। तो कुछ मैंने उरली इस पर छत पर गिर दिए थे गाय जी, काम तो सारा दिन में चलता रहा है। तो ये जो सूट दिख रहा है ग्रीन कलर वाला, ये मैंने अभी सिलवाया था, तो बहुत प्यारा कलर है इसका, मतलब सारे में कढ़ाई है, बहुत सॉफ्ट है। एक बार तो मैंने ना सोचा था मैं ये तो चुभेगा भाई, चुभ दाखो नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट है ना, इसमें पता चल रहा है ना ये कढ़ाई चुभ रही है, बहुत मतलब अच्छा कपड़ा निकला भाई वाकई में, जैसे पैसे लगे थे ऐसा कपड़ा, बहुत मस्त सूट लग रहा है ये।